स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज बनाने जा रही हूँ मटर आलू की चाट। इसके लिए मैं ली हूँ 150 ग्राम मटर, जिसे मैं रात को भिगो दी हूँ और ये फूल कर अभी तैयार है। इसे मैं 2-3 पानी अच्छे से धो ली हूँ। ये मैं ली हूँ मीडियम साइज़ का 4 आलू, जिसे मैं बॉयल होने के लिए कुकर में डालूँगी। और उसके साथ मैं ली हूँ इन्ग्रीडियंट्स जो मुझे चाट बनाने के लिए चाहिए। नमक, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, दही, नींबू, एक टमाटर, एक प्याज और 2-3 हरी मिर्च। अब मैं इधर कुकर में डाल दूंगी मटर और आलू को। आप देख सकते हैं मैं कुकर में मटर और आलू को डाल दी हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी आपको इतना डालना है कि ऊपर तक हो, क्योंकि मटर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं इसमें लगभग 400 ml पानी डालूंगी, जो आप देख सकते हैं इतना। अभी मैं इसमें डालूंगी नमक मटर और आलू को पकने के लिए। आधा चम्मच मैं नमक डाली हूँ। अभी मैं डालूंगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर। बस मैं इसमें इतना ही डालूंगी और इसे अच्छे से पकाने के लिए गैस पे चढ़ा देती हूँ और गैस को करती हूँ ऑन। हमें इसे 4-5 सीटी आने तक पकाना है। आप देख सकते हैं मैं कुकर को ढक्कन को बंद कर दी हूँ। अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक इधर मैं काटूंगी प्याज और टमाटर को, तो मिलती हूँ काटने के बाद। अभी आप देख सकते हैं मैं प्याज को चॉप कर ली हूँ, टमाटर को और हरी मिर्च को और नींबू काट ली हूँ। अगर आपके पास इमली हो तो इमली डाल सकते हैं। मेरे पास अभी इमली नहीं है, इसलिए मैं इमली को नहीं डाल रही हूँ। इधर देख सकते हैं मटर और आलू पक रहा है, तो मिलती हूँ जब ये पक जाता है उसके बाद। आप देख सकते हैं मेरा चना, मटर और आलू उबल चुका है। अब मैं इस आलू को निकाल लेती हूँ, उसके बाद इसको छीलती हूँ। मैं आलू को फूल के इसमें डाल लूँगी, सारे आलू को। ये आलू बहुत ही अच्छे तरीके से पक गया है। हमें इसको मिलाना है, ऐसे ऐसे तोड़ के मिला दीजिए इस तरीके से। मटर भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पक चुका है, बिना तेल का है। मसाले भी ना के बराबर है, केवल मैं जो ऊपर से चाट मसाला डालूंगी ना वही है, हल्दी पाउडर बस, और कुछ नहीं डालूंगी। अब मैं इसको ऐसे निकालूंगी प्लेट में। इसमें डालूंगी कटा हुआ प्याज। टमाटर, हरा मिर्च, चाट मसाला, काला नमक, और मैं इसमें डालूंगी दही। नींबू डालूंगी इसमें। आपको जितना खट्टा पसंद है उतना डाल सकते हैं। तैयार है चाट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।